मिनिमम क्वालिफिकेशन जो यूजीसी दी आ यूजीसी नेट इस तो भी उपर पीएचडी पोस्ट डॉक्टरेट और एक चीज बोर्ड दे विच सिद्ध हो चुकी है कि यूजीसी दी जिहड़ियां गाइडलाइंस है उन्हें बिल्कुल फॉलो किया गया है। यह भर्ती जी रली मिली जा साजिश के तहत जी कोर्ट के उलझाई जा रही है। अगर नहीं हैगी यह चीज़ तो सरकार डॉक्यूमेंट क्यों नहीं पेश कर रही जिद आधार से जी भर्ती क्वैश हुई है ज हो सकती है। यह सब सरकार दाल है कोर्ट के जी भर्ती फसा के और इदा के घटिया तरीके दयानबाजियां करके सरकार अपनी जिम्मेवारी तो भज रही है। सब तो वही गल कि भर्ती क्वैश होने का एक मेन कारण हूँ कि भर्ती करप्शन ना हुई कैंडीडेट की जी क्वालिफिकेशन से कोई क्वेश्चन मार्क ना हो जो जज साहब आप लिख रहे हैं कि मैरीटोरियस भर्ती है ये सरकार मान रही है फिर सानू सरकार आके दसे असीं सड़कां ते क्यों आ। मुद्दा आ इनू आप मैं पहला भी क्लीयर कर चुकी हाँ कि अगर साडा कसूर नहीं है कोर्ट के बीच भी साडा कोई भी कसूर नहीं आ यह सरकार भी मान रही है इस मौजूदा सरकार तो कोर्ट भी इस चीज़ में जी जजमेंट आई अगर क्वैश की वो क्लीयर कट जी वर्डिंग आ कि इन जो उम्मीदवार इन्हों का कोई कसूर नहीं गलतियां कितने हुई डिपार्टमेंट वालों हुई। देखो सरकार तो उही रहती है सरकार कभी नहीं बदलती डिपार्टमेंट जिन्हें भर्ती की उत्थे का उत्थे आ उन्होंने जड़िया कमियां छड़िया जड़िया कि पूरी भी हो सकदियां पर जिहड़ा उन्हां दा एक संबंधित अधिकारी आ गुरदर्शन बराड़ मैनू नाम लैण विच कोई हर्ज नहीं उन्होंने इस भर्ती का बेड़ा डोब के रख दिता। क्यों डोबिया कि उन्हां दी बिल्कुल पारदर्शी भर्ती सी कोई भी इदां दी चोर मोरी नहीं सी कि जिहदे विच उह अपने बंदे सिलैक्ट कर सकदे तो उन्होंने जी उन्हों की बेटी अपनी बेटी दो नंबर से रह गई थी इस भर्ती के उन्होंने इस भर्ती का बेड़ा तर्क कर दिता। कोर्ट के जो मतलब के चाहिए आ सरकार वो नहीं कोर्ट में वह सरकार नहीं पेश कर रही। क्यों नहीं पेश कर रही कि ये बहुत रीज़न आ एक तो पिछली सरकार की भर्ती की वो क्रैडिट पिछली सरकार को ना चला जाए ना सरकार वालों प्रैशर है कि भर्ती कभी भी पूरी नहीं कर रही। 57 रह गए इन्हां दी गल सुन के इन्हां नूं तां इंसाफ दे दे मैं खुद उन्हां दा धन्नवाद करके आऊंगा भी ये तुहाडी भर्ती है होर किसी दी भर्ती मैं कहंदा जे एक भी गलती हो गई पूरे ये आ कि 25 साल नहीं होया सी मैं अफसरां नूं ये गल कही सी मैं इहनूं डिफेंड करदा मैं अफसरां नूं ये गल कही सी भी मैं चाहुंदा आ भी ट्रांसपेरेंट जे कोई ये कह दे किसी ने उहदे विच एक पैसा भी किसी की उत्थे मैलाफाइड इंटेंशन हो किसी की नीत माड़ी हो मैं हर चीज़ का देनदार का हकदार हाँ लेकिन लेकिन उस देखो मैं नहीं कहता सिस्टम के कित कमिया पेशियां हो सकदियाँ पर भरपाई भी हो सकती है वो मान लो सपोज कोई कोर्ट आ कोई चीज़ थोड़े को मंगती है वो दी भी जा सकती है भाई सरकारी मैं कोई समान कोई नाल तो नहीं लै गया मैं डॉक्यूमेंट कोई नाल तो नहीं लै गया मैं तो सारे डॉक्यूमेंट तो सरकार को ही होंगे आ पर बदकिस्मती ये आ भी साडा सच्ची गल है खून ही चिट्टा हो गया असी उस गल नूं महसूस करनों ही हट गए कि आ बच्चे साढ़े की सोचते होणगे कि साढ़े बच्चे आ ना पंजाब के बच्चे तो साढ़े बच्चे आ ना तो जदों सरकार उहदा माई बाप का रोल प्ले करती हुंदी है आ जिहड़ा हरजोत बैंस है यार कल का जवाक है इहनूं ये नहीं चाहिए सीगा भी हाँ भी दसो बच्चो इहनां नूं पुछो मेरे कोल किन्ने धरने लगे मैं तो एक दिन सवेरे 5:30 बजे हजे उठिया भी नहीं सी तो मेरे बाहर धरना लग्या सी भी प्रगट सिंह मुरदाबाद मैं कहा यार मैनू उठ तो लैन दिओ मैं तुहाडे नाल गल करदा असी गल भी नहीं कर सकते असी कोई ये कोई किसी होर देश तो आए हैं किसी होर प्लैनेट तो आए हैं भी हाँ भी इन्हां दी एड्डी वड्डी ईगो हो गई भी ये किसी नाल गल भी नहीं कर सकते जे इन्हां नूं किते ना किते इन्हां नाल गल कीती हुंदी भी असी तुहाडे लई आ कर रहे हैगे आ सानूं उस बच्ची अज इस दुनिया तो जांदी ना क्योंकि ये इन्हां दी सिर्फ ते सिर्फ ये इन्नी नलायकी और इन्नी जिद आ इन्हां लोकां दी क्योंकि जिद्दी बहुत आ मैं इन्हां नूं पुछ लो मैं कभी धरने च नहीं आया नहीं तो नॉर्मली की हुंदा पोलिटिकल लोग आउंदे आ उहनां नूं ऐ हुंदा भी चल बोल के असीं चले जाइए मैं इस करके मैं इस इहदे विच इंडिपेंडेंट इनकुआरी भी होनी चाहीदी आ इह जिहड़ा DSP आ इत्थे दा जां इत्थे दा SSP आ दे शुड बी हेल्ड रिस्पोंसिबल और उहदे नाल नाल जिहड़े बाकी 1157 आ जो उन्हों का बेसिकली डिफेंड करन दी जरूरत आ कोर्ट दे विच मैं कहना मैं खुद इन्हां नूं उस समय जे इन्हां 1157 नूं ये भर्ती कर देणगे तां मैं जाके इन्हां नूं लड्डूआं दा डब्बा भी दे के आऊँगा कि यार ये तुसीं कीता तुसीं क्लेम करो यार ये तो क्लेम करते हैं ना बहुत चीज़ां भी हाँ भी असीं एजुकेशन दे विच आ लैंदा असीं हेल्थ दे विच आ लैंदा ये दिल्ली दे विच चलदा पंजाब च नहीं चलदा ये आने वाले समय च मैनूं लगदा
ये सरकार यहोजी होगी जी होर साल डेढ़ साल तक ये पिंड नहीं जा सकते सुसाइड मन दो या मन दो कि तरीके का जो नहीं नहीं सुसाइड नहीं है हत्या आ सरकार देखो भैन जी आप इतने पोलीटल गल नहीं करनी मैं इतने पोलीटल गल नहीं करना आ मैं कभी भी नहीं पोलीटल गल करता मैं सरकार को हाथ जोड़ के बेनती करना आ जोड़े 1157 है कम से कम इन्हों ठीक तरह डिफेंड कर लो इन्हों चंकी तरह डिफेंड कर लो ता कि जी बच्ची की शहादत तक किसी काम आ जाए जोड़े बाकी घर आ मैं पता इन हालात क्योंकि जो मैं उदो देखे ना कि कोई 40 साल का कोई 45 साल का भेज रहा मैं मेरी डिप्रैशन की दवाई चल कोई कोई 50 साल का क्योंकि आप इस करके सी भी बच्चे यार जिन्ने मैक्सीमम एडजस्ट हो जाए भी ता कि आने वाले समय से साडा जिहड़ा यूथ आ साडा यूथ क्यों भजा जा रहा भगवंत मान जी तो बहुत स्टेटमेंटा दिंदे सी इत्थे गोरे कम करन आया करनगे अज तक कुछ होया ये सिर्फ तो सिर्फ सोशल मीडिया की सरकार है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की सरकार है हुण इन्हां ने नवा एक शोशा छड्डिया भी जिहड़े जिहड़े आ सोशल मीडिया के इनफ्लूएंसर होणगे ना उन्हां नूं पता नहीं किन्ने दा इह पैकेज देणगे मतलब दिस इज़ हाइट ऑफ नॉनसेंस दिस इज़ हाइट ऑफ नॉनसेंस यार पंजाबी इदां नहीं बिकण वाला हैगा पंजाबी इदां और मैं तुहानूं भी अपील करदा ठीक है तुहाडे जिहड़े जिहड़े हैड होणगे उहनां दीआं समस्यावां होणगीआं पत्रकार की समस्या नहीं हैगी तुहाडे मीडिया हाउसिस दीआं समस्यावां हैगीआं क्योंकि वह जद ही यह लाइन जी कट देंगे भी जे तुम साढ़े अगेंस्ट बोलिया तो उदण के उन्ने पैसे कट लेंगे मैंने पता है इस गल बट एट द सेम टाइम यार आपी तो हमेशा कहदे लिए नहीं खड़िया पंजाबी अज तुम इतने आए हो स्थानक लीडरशिप जी रीप्रजेंट करती रही आनंदपुर साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीते 60 दिन तो इतने बैठे ने उन्होंने कान से कोई जुड़ने सर कि देखो मैं किसी की गल चलो इनू मैं समझ सकता भी चलो कोई भी चलो कोई आया चाहे नहीं आया बट एट द सेम टाइम मैं इस करके नहीं आया मैं क्या जिद्दी सरकार आ मैं उत्थे चले गया तुसी सारिया ने किते ना किते ये स्टेटमेंट जानी है बट एट द सेम टाइम मैं इन्हां बच्चों का नुकसान नहीं होने देना चाहता सी क्योंकि मैंने इन्हां दी जिद का पता मैं भगवंत मान का भी पता भगवंत मान भी जिद्दी आ हरजोत मैच आ इन्हां नू पंजाबी पता किहो जिहा पंजाबी नू कह दे यार आ जाओ यार आप बह के गल कर लें नहीं तो मिनट पांच नहीं सी लाने ये कदी जिद आ ये साढ़े बच्चे नहीं है सरकार माँ प्यो का रोल प्ले करती हुंदी आ हमेशा भी आ जाओ यार दसो इस फीलिंग नाल नहीं कीती सी क्योंकि जदों मैं मंत्री बनिया तो सब तो पहला मैं देखिया कि पिछले 25 साल तो साड़ी जिहड़ी हायर एजुकेशन आ उहदे विच रेगूलर भर्ती नहीं हुई असी जो स्कूलों के विच करते हैं जो असी प्लस टू तक करते हैं इहदा मतलब यह होया भी असी ये बच्चे आइलैट्स सेंटरां ते भेजण लई ते बाहरले देशां लई तैयार कर रहे हैं तो मेरे सब तो पहला जहन च आया कि इहनू देखिए तो सही भी इहदे च समस्या कि तो मैं जो देखिया भी 2004-05 दे विच जिहड़ा रवि सिद्धू वाला इशू होया सी उहदे विच इह भर्ती जिहड़ी आ इहनां दी उह विच रुड़ गई तो ये बच्चियां दा की कसूर आ जिहड़े मतलब हर तरह क्वालीफाई करते तो जिन्हां ने साढ़े बच्चियां नूं गांह सेध देनी सी तो मैं उस मंशे नाल जिन्नियां भी मैक्सीमम पोस्टां निकलदियां सी सारिआं नाल सलाह करके क्योंकि इहदे विच दो वाइस चांसलर पंजाबी यूनीवर्सिटी ते वाइस चांसलर गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी उन्हां नाल सलाह करके भी तां कि कल नूं इन्हां नूं कोई समस्या ना आवे इहदे च कोई शक वाली गल नहीं समा थोड़ा सी लेकिन एट द सेम टाइम जो PPSC तो परमिशन लैण वाली गल सी जो UGC दीआं गाइडलाइनज़ नूं कंप्लाई करन वाली गल सी जो ट्रांसपेरेंसी की गल सी तुसीं इह वी गल कही भी हाँ भी कितें पंजाबी दे पेपर च कितें अच्छा किसी एक बंदे ने जे कितें गलती करती उहदे ते मंशा ते सानूं बेसिकली सानूं गांह नहीं वधना चाहिए जितों तक मंशा दे उपर कोई शक नहीं है मैं तुहाडे तुहाडा आंसर दे दूंगा रिट्टां उहनां विद्यार्थियों ने पाइयां जिहड़े इहदे विच क्वालीफाई नहीं कीते सी देखो इह वी साडे बच्चे आ उह वी साडे बच्चे आ किते ना किते सरकारी नौकरी दे विच कमियां पेशियां आईयां आ हर बच्चा किसी ना किसी पास्यों की चाहता आ भी मैं किसी ना किसी तरह सरकारी नौकरी दे विच चले जा हुण मैनूं इह दस रहे सी भैन जी भी एक लड़की जिहड़ी ईवन रवि सिद्धू वाले भर्ती दे विच वी सी इस भर्ती दे विच वी सी उह अज 45 सालां दी हो गई ते उहदा इही कसूर आ भी उहने हायर एजुकेशन बड़ी टॉप लैवल ते करके
तो वह अज तक कॉलेज का मूँह नहीं देख सकी तो साढ़े बच्चे उन्हों चीज़ों तो वाझे रह गए जी नॉलेज उन्होंने गांह जाके देनी गल तो सिर्फ इन्नी है इस स्पिरिट न देखो तुम और गांह जी मैं अज तक इन्होंने धरने च नहीं आया मेरे को काफ़ी बच्चे मिले मैं इन्हों कहा सरकार जिद्दी बहुत है तुहाडा नुकसान होगा जे मैं उस धरने क्योंकि मैं पोलीटिकल घट हाँ तो मैं उस एंगल नूं वध देखदा भी किसी बच्चे का नुकसान ना हो मैं इन बच्चों ये भी कहा भी जिदण तुहाडी भर्ती ये सरकार कर दूगी मैं इन का धनवाद करके आऊँगा मैं क्लेम नहीं करने वाला क्लेम कादे ते करना यार पंजाब के न्याणे है पंजाब के न्याणियों इन्होंने पढ़ाना हैगा तो क्लेम कादा असी तो एक जिम्मेवारी जे लोगों ने देती तो साडा इन्ना दिमाग खराब हो जाए भी असीं इन्हां दी गल नहीं सुन लगे और जिहड़ी सरकार हुंदी आ उह माँ प्यो का रोल प्ले कर सकती हुंदी आ मैं नहीं कहिंदा मैं कहिंदा कि हाँ भी इन्होंने कोर्ट के जिद्दां डिफेंड करना चाहिदा सी नहीं किया बिल्कुल नहीं किया इस करके नहीं किया इस मनसा नाल नहीं किया मैं अज ये गल कहिंदा भी तां कि किते क्रैडिट पुरानी सरकार नूं ना मिल जाए पर मैं इहो जिहा बंदा मैं तां क्रैडिट भी इन्हां नूं जाके देना सीगा भी यार तुसीं इह कर दित्ती आ इह साडे बच्चे सैटल हो गए मैनू इहदे च होर की लैणा देणा मैनू इन्नी सैटिस्फैक्शन बहुत आ क्योंकि जिस फील्ड तो मैं आया वो बेसिकली एक यहोजी फील्ड आ जिहदे विच एक स्पिरिट की गल हुंदी आ ते अज वो साडी जिहड़ी बच्ची आ अच्छा साडा इन्ना ही किरदार गिर गया भी असीं उहदे घरदिआं ते परचा दर्ज कर दित्ता आ जिन्ने इत्थे एस एस पी लगे आ साडा डी जी पी आ यार इन्ने पढ़ लिख के इदां दे मोहरे तां ना बणो डेमोक्रेसी ये सिखाउंदी आ डेमोक्रेसी ये कहिंदी आ भी हाँ भी तुसीं कम से कम जिस बच्चे की लाश भी अजे तक नहीं मिली असी उहदे घरदिआं ते परचा करके उन्हां नूं अंदर कर दिता यार सरकार की हुंदी आ ये हरजोत बैंस मैनू लगता इहदे च इन्ना बचपना जे किते इन्हां बच्चों की इत्थे आण के गल सुन लैंदा मैनू पता इस गल का ये साल घूमदे रहे वो मिलिया नहीं जदों इन्हें धरना लाता फिर कहिंदा धरना चको यही गल कहिंदा धरना चको फिर गल करांगे यार तुसीं एडा दिमाग कादा खराब हो गया तुहाडा यह समा लंघ जाता हुंदा यह पुराणियां ने भी बहुत गलतियां कीतियां मैं किसी नूं डिफेंड कर नहीं इत्थे आया पुराणियां ने भी बहुत गलतियां कीतियां डेमोक्रेसी दे विच हर बंदे का एक रोल है पोलीटिकल क्लास का एक रोल है ब्यूरोक्रेसी का एक रोल है जुडिशरी का एक रोल है अज डेमोक्रेसी के चौथे पिलर का जो इन्होंने किया जो मोदी ने तो इन्होंने किया ना ये तुहानू भी भुलिया नहीं है तुसीं भी इत्थे सारे खड़े हो क्योंकि जे ये सरकार इन्ना चंगा काम करती हुंदी ना ता शायद डेमोक्रेसी के चौथे पिलर का गला घुटण की जरूरत नहीं है साढ़े एडे एडे वे मैं तो यार असली गल है खिडारी होने के नाते खेडां दे विचों आया सी मैनू ये पता नहीं सी भी इहो जिहा खलजण है इहो जिहा असी इहो जिहे किरदार के माड़े बंदे हो गए यार पंजाबी सिख हमेशा यार चढ़दी कला दे विच ते चंगी चीज़ लई खड़दे आ ते असी तां चंगी चीज़ लई की असी उहनां दे उस बच्ची दे घरदिआं दे उत्ते परचा दे बिल्कुल आ सरकार जिहड़ी आ मैं नहीं कहिंदा पिछलियां सरकारां ने भी गलतियां कीतियां 25 साल नहीं तां 25 साल कदी भी देखो हुंदा की आ कदी IPS IAS की भर्ती रुकती नहीं है 2000 पता नहीं किहड़े साल दे विच इह डिसीजन होया भी जिहड़ी जिहड़ी रिटायरमेंट हो जूगी तो वह जी भर्ती बंद हो जाऊगी यार ये की गल हुई यदा मतलब सानू डॉक्टर नहीं चाहिए सानू प्रोफेसर नहीं चाहिए सानू होर फील्ड के बंदे नहीं चाहिए सिर्फ IPS ते IAS ही चाहिए आ और IAS का भी मैं तो IPS की गल करदा इतने SSP आ मुंडा मैनू लगता विवेक सोनी है यार इन्ने पढ़ लिख के जदों तुसीं उत्थे कॉन्स्टिट्यूशन की सहु खाने भी असी इस कॉन्स्टिट्यूशन डिफेंड करांगे तो फिर पपट क्यों बन जाने की होया एक नौकरी आ ना एक पोस्टिंग ही आ की होजूगा इन लोगों ने यार हद हो गई इन्ना किरदार वेच दिता इन लोगों ने इतों तक लिया भी एक घर के जे इन्नी दुखदाई घटना हुई होवे जिन्हें पंजाब सारे झंझोड़ के रख दिता तो तुसीं एक मंत्री नूं डिफेंड कर ली तो उहदे घरदिआं ते अच्छा मैनू नहीं पता किस हालात के उहदे भरा ने कितें कोई बयान दिता हो नहीं दिता होगा आपां नूं पता आ पंजाब दे विच बयान भी किदां हुंदे आ यार कोई गल है भगवंत मान नूं मैं इह अपील करदा आ जिहड़े बाकी बच्चे आ कम से कम यार भगवंत तू इदा का नहीं सी मैं तेनू जानदा चंगी तरह चीफ मिनिस्टर बनने तो पहला तू इदा का नहीं सीगा अज की हो गया अज आ बाकी जिहड़े 1157 रह गए इन्हां दी गल सुन के इन्हां नू तां इंसाफ दे दे मैं